छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे हैं नक्सली विरोध अभियान के तहत पुलिस के जवानों को सफलता मिल रही है। आपको बता दें, दंतेवाड़ा जिले में सोमवार को 7 महिला नक्सलियों समेत 23 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय थे। ये नक्सली कई आपराधिक घटनाओं में भी शामिल थे। इन्होंने पुलिस के पुनर्वास अभियान लोन वर्राटू से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। इन्हें शासन की योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। दंतेवाड़ा से विजय पचौरी की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा अभियान लोन वर्राटू, जो घर वापस आई अभियान, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत माओवादियों को सरेंडर किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ शासन का पुनर्वास नीति का लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उसी के तहत आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 को 23 माओवादियों ने सरेंडर करने के लिए आए हैं और वो लगभग सभी भैरमगढ़ एरिया कमेटी में एक्टिव थे और नक्सली बंद के दौरान ये लोग रोड बंद करना, पेड़ काटना और उनका बैनर पोस्टर लगाना उसी का काम करते थे और ये 23 लोगों में से 20 लोगों को डीआईजी दंतेवाड़ा ने सरेंडर करवाया है और 3 लोगों को सीआरपीएफ आरएफटी टीम ने सरेंडर करवाया है। इन सबको शासन के द्वारा जो भी लाभ मिलेगा, 25,000 का नगद और जो भी लाभ मिलेगा उनको पुलिस के द्वारा दिया जाएगा और इनको अपील पुलिस के द्वारा ये अपील किया जा रहा है कि और भी सरेंडर माओवादी जो है वो सरेंडर करने के लिए आए और छत्तीसगढ़ प्रशासन को सहयोग करें।